रीवा में दूसरे प्रदेशों से आए मजदूरों का कोरोना को लेकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा था, तभी दो संदिग्ध मजदूर भय के कारण जांच के बाद भाग गए, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग प्वाइंट लगाकर उनको पकड़ा और एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूरों को वापस लाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में रीवा पहुंचने वाले हर व्यक्ति की डॉक्टर द्वारा जांच की जा रही है और उन्हें बस के माध्यम से घरों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सूरत से आए मजदूर सुरेश साकेत व रजनेश साकेत रीवा पहुंचे थे। मारतंड स्कूल में स्क्रीनिंग के दौरान दोनों ही संदिग्ध पाए गए, जिसके बाद मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें अलग कर दिया, लेकिन इलाज के डर से दोनों युवक वहां से भाग निकले। दोनों ही संदिग्ध युवकों के भागने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया और शहर में बनाए गए चेक प्वाइंट पर तैनात पुलिस कर्मियों को सूचना दी गई, जिसके बाद चेक प्वाइंट पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने संदिग्ध युवकों को पकड़ लिया और एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। हमें लगभग 6:30 बजे सूचना मिली थी, लगभग 6 बजे की आपको सूचना मिल गई थी कि दो शेल्टर होम से दो संदिग्ध व्यक्ति हैं, जिनको वहाँ रुकने के लिए कहा गया था, लेकिन वो बिना बताए वहाँ से चले आए हैं, अपने गृह ग्राम के लिए निकल पड़े हैं। उस आधार पे हमने यहाँ पे थोड़ा चेकिंग और टाइट की, जो आने वाले उन सबसे पूछताछ किया, तो जो नाम बताए गए थे हमको, तो उनके नाम इनसे मेल खाए, तो हमने इनको रोक के और फिर कंट्रोल रूम को सूचना दी और वहाँ से बताया गया कि हम एम्बुलेंस भेज रहे हैं, आप उनको बैठाइए। तो अभी एम्बुलेंस उन्होंने भेज दिया है और हमने उनको वापस भेज दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।